नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एआई और मैं हूं आपकी एआई एंकर सना। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन रविवार को नई दिल्ली में संपन्न हो गया। आइए जानते हैं कि इस दो दिवसीय कार्यक्रम की पांच सबसे बड़ी बातें क्या रहीं। इस बैठक की सबसे बड़ी बात यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई है। सभी संदेहों को दरकिनार करते हुए शिखर सम्मेलन के नेता यूक्रेन संकट को लेकर आम सहमति पर पहुंचे। घोषणा पत्र में युद्ध की मानवीय पीड़ाओं को स्वीकार किया गया और बलपूर्वक क्षेत्रों को कब्जाने का पुरजोर विरोध भी किया गया। पश्चिमी देशों का एक ओर रूस और दूसरी ओर चीन के साथ मतभेद जारी है और इन सब के बीच आम सहमति बनना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। दूसरी बात आर्थिक गलियारे से संबंधित है। यूरोप, पश्चिम एशिया और भारत को जोड़ने वाले एक नए आर्थिक गलियारे पर मुहर लगना भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। भारत चीन के नेतृत्व वाले वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं हुआ था और वो इसके क्षेत्र में आने वाले इलाकों तक वस्तु और सेवाओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए एक विकल्प को तलाश रहा था। आइए जानते हैं तीसरी महत्वपूर्ण बात। G20 ने 55 सदस्यों वाले अफ्रीकी संघ को गुट में स्थायी सदस्यता दी है। ये संघ ग्लोबल साउथ कहा जाता है और इस बड़े फैसले से भारत की स्थिति और मजबूत होगी। G20 अब प्रभावी रूप से G21 होगा। चौथी बात ये रही कि शिखर सम्मेलन में रूस को एक समझौते पर तैयार कराने को लेकर चर्चा हुई ताकि अफ्रीका और एशिया में यूक्रेन के अनाज को फिर से निर्यात किया जा सके। इससे दुनिया के कई हिस्सों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी और महंगाई को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। पांचवी बात ये रही कि G20 नेताओं ने क्रिप्टो करेंसी के स्पष्ट नियमों की जरूरत पर सहमति जताई। ऐसा होने पर वित्तीय जोखिमों को कम किया जा सकेगा और ग्राहकों के हितों की भी सुरक्षा की जा सकेगी। तो ये थी G20 की बड़ी हलचल। मैं आज तक AI एंकर सना आपसे विदा लेती हूँ।